आपने ये यूज ही कहाँ से किया है? सर गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पी सी एम में है, और डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस। अभी आप कोई सर्विस कर रहे हैं? नो सर। क्या कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज। तो ये पहला अटेम्प्ट है आपका? यस सर। अच्छा, ये जो डिफेंस स्टडी आपने लिया है, ये क्यों लिया है? सर डिफेंस स्टडी लेने का सबसे पहला रीज़न ये था कि मेरे भैया ने बताया कि ये छोटा ऑप्शन है और इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं एक बार पढ़ के देख लूँ। तो सर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो इसमें रिलेशंस काफ़ी हमें पढ़ने होते हैं, अपने देश के दूसरे देशों से रिलेशंस और अपने देश की सिक्योरिटी, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने इसे लिया। चीन के साथ हमारे संबंध कैसे? सर चीन के साथ हमारे संबंध दो तरीके से हैं सर, एक तो हमारे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं, हमारे कुछ डिस्प्यूट्स में इकोनॉमिक मुद्दे पे, बॉर्डर के मुद्दे पे, लेकिन कुछ जगह हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन भी है। जैसे हम लोग इकोनॉमी में हम लोग डेफिसिट तो है, लेकिन हमारा जो इकोनॉमी क्या कहते हैं ट्रेड होता है काफ़ी ज़्यादा होता है सर, लगभग 100 बिलियन के बराबर हमारा ट्रेड होता है, और हमारे कल्चरल जो रिलेशंस काफ़ी लोग वहाँ से आके यहाँ रहते हैं, हमारे देश के लोग वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, स्पेशली मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। काफ़ी लोग जाते हैं सर? जाते हैं सर, ज़्यादा बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं सर। वहाँ से पढ़ाई को लेकर के तो किस मामले में हमारा जैसा है सर, इन्वेस्टमेंट में सर, ट्रेड हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, कल्चर एक्सचेंज हुआ, और अच्छा ये बॉर्डर और डेफिसिट जो ट्रेड डेफिसिट के अलावा क्या डिफरेंसेस है हमारे? सर कहीं ना कहीं टेररिज्म के मुद्दे पे भी हम कह सकते हैं, तो हम लोग टेररिज्म के मुद्दे पे यूएन में लेके जाते हैं प्रस्ताव, तो वो मसूद अजहर का जो केस है वहाँ पे वो सर वीटो पावर लगा देते हैं। और चीन की कोई गतिविधि है जो हम? सर चीन की और गतिविधि जैसे सर इंडियन ओशन में वो स्ट्रीम ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं, तो जिससे कि हम मैरीटाइम सिल्क रूट बना रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने इंडिया में उसको स्ट्रीम ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। वो तो बहुत पहले हो चुका है स्ट्रीम ऑफ पर्ल्स 90s में। चलिए तो ये रोड कहाँ जाएगा सर? ये रोड स्वेज होते हुए सर यूरोप तक जाएगा सर। किस जगह? यूरोप में कोई सिटी है जहाँ जाएगा ये? सर आई एम सॉरी, मुझे पता। अच्छा चलिए। कंप्यूटर साइंस से आपने डिप्लोमा किया है? यस सर। 2010 के बाद आपने क्या किया है? सर 2010 के बाद सर 11 और 12 मैंने 12th क्लास पास किया, क्योंकि सर ग्रेजुएशन करने के लिए 12th बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए मुझे 12th करना पड़ा सर। ओके। कंप्यूटर के जनक कौन है? सर चार्ल्स बैबेज। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन की परिभाषा बताएं, कोई व्यवस्थित परिभाषा? सर मेडिटेशन बेसिकली जब हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं, बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट पे जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसी को मेडिटेशन कहते हैं। अगर हम ये कहें ध्यान ना करना ही ध्यान, तो क्या कहेंगे इसको, सही है कि गलत है? सर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं करते हैं उस टाइम लोग, किसी ऐसी चीज़ पे ध्यान करते हैं जो मैंने कहा ध्यान ना करना ही ध्यान है, तो ये गलत है कि सही है? चलिए कोई बात नहीं, ये डिफेंस एक आपका सब्जेक्ट है ना? yes. है ना, क्लॉक वाइज इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनकी जरा एक सिचुएशन क्लॉक वाइज बता दें। क्लॉक वाइज इंडिया के पड़ोसी देश, तो सर सबसे पहले हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान आता है सर, उसके बाद अफगानिस्तान आता है, और उसके बाद चाइना आता है सर, चाइना के बाद आता है नेपाल, नेपाल के बाद आता है भूटान, भूटान के बाद फिर आता है सर म्यांमार, सर म्यांमार के बाद आता है बांग्लादेश, और सर अगर हम लोग मैरीटाइम के बारे में देखें तो सर वहाँ पे श्रीलंका के बाद क्या आता है? श्रीलंका के बाद सर फिर पाकिस्तान आता है सर। और कोई वहाँ नहीं है जो सार्क के मेंबर वहाँ पे? सार्क के मेंबर? हाँ सार्क का कोई मेंबर रहता है श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में? श्रीलंका, अच्छा हाँ सर मालदीव्स रहता है सर, लेकिन मुझे सर ध्यान आ रहा था कि आपने बॉर्डर जो टच करता है उसकी बात कर रहे हैं। लैंड बॉर्डर की बात? हाँ बस ये। ओके अच्छा सर, चलिए सर। सुपर कंप्यूटर किसको कहते हैं? आप कंप्यूटर में पढ़ाई की, सुपर कंप्यूटर?
सर सुपर कंप्यूटर बेसिकली वो कंप्यूटर होता है जिसमें सर जो प्रोसेसिंग की स्पीड होती है और प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कुछ इसका प्रोटोकॉल होगा ना, इसका स्टैंडर्ड उसकी, ये सुपर कंप्यूटर सर 32 बाइट्स सर। इंडिया ने भी लेटेस्ट कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया? ये बस आपका उसे अच्छा है, आपका बोलने जानने का तरीका भी ठीक है और चाइना के रिलेशन को बड़े अच्छी तरीके से आपने कहा, लेकिन कुछ अभी जैसे ऐसा लगा जैसे रटा रटा ऐसा बोल रहे हैं आप, थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट, जैसे पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया आपने, एक पाकिस्तान के साथ जो उसकी रिलेशंस है वो भी हमारे लिए विवाद का बहुत बड़ा विषय है, टेंशन का कारण है, ग्वादर में जा रहा है वो, ये इसको आपने मेंशन नहीं किया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये आप कहेंगे, तो वो थोड़ा सा इम्बेलेंस हो गया, मतलब वो अगर ये चीज़ आ जाती तो आप खुद सोचती हैं कि अच्छा हो जाता, ठीक है ना, तो थोड़ा सा जो इश्यूज हैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी है, ठीक है ना। अब जब आप इसकी बात करें मैंने ट्रांसलेट रूट की, तो इसमें ये बहुत कोई नहीं बता पाया मुझे, वेनिस इटली में एक शहर, वहाँ जाके मिलता है, उधर से एक रोड चलेगा चाइना से कासगर से उधर से जिनजियांग से और वो भी वेनिस में मिलेगा तुर्की होते हुए लैंड रूट जहाँ से वो सिकंदर आया था। तो ये ग्रीस के पास है इटली, तो ग्रीस होते हुए इटली में रोड मिलेगा लैंड रोड और इधर से ये सिल्क रूट भी जो समुद्री है वहाँ मिलेगा। तो ये इसमें कन्फ्यूजन आप क्रिएट किए हैं कि जो स्ट्रिंज ऑफ पल्स है ये पहले जो उसने अड्डे प्राप्त किए थे 90s में जो कोलम्बो में हम्बनटोटा में इसमें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यू कैन से कि ये जो है उसका बेनाइन जो है सुधरा हुआ रूप है स्ट्रिंज ऑफ पल्स का, उसकी नेगेटिव फीलिंग थी। तो इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करिए, अंडरस्टैंडिंग आप बोलने चालने का भी ठीक है आपका, और ड्रेस तो आप खुद ही दूसरी पहनेगी, पीछे थोड़ा खिसक के बैठने का जो है ना, आप पता है ये पोर्शन सबसे नीचे नीचे पोर्शन नीचे का पोर्शन सटाइए, बिल्कुल सटाइए और पीछे नहीं नीचे, ये पोजीशन पूरी चेंज हो गया, आपका पोस्चर चेंज हो गया। हम लोग क्या करते हैं इसको सटाना चाहते हैं, इसको जैसे मैं ऐसे इसको सटाए ये गलत है, अगर मैं इसको सटा लूंगा तो अपने आप ही सही आएगा। अब आप स्ट्रेट हो गए अपने आप से, क्योंकि आपका बीच में आपको कई बार ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ रहा था ना, अब आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको ये वाला जो हिस्सा है कमर का नीचे का इसको सटा के रखिए, इसको छोड़ दीजिए खुला ऊपर, अपने आप सही रहेगा। और अब मैं समझता हूँ कोई कॉन्फिडेंस आपका अच्छा, तैयारी भी फॉर्मेशन आपकी अच्छी है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस से करके चाइना के बारे में आपने सब डिटेल बात की, तो डिफेंस में जो है ठीक है आपका प्रोग्रेशन, सोशल वर्क का भी देख लीजिएगा, नौकरी तो आपको रहते कहाँ हो सर? मैं अभी तो इलाहाबाद में हूँ, वैसे मेरा होम टाउन संत कबीर में है। ठीक है, चलो और कोई कंप्लेन किसी प्रकार की क्वेरी आप जानना सर था? जैसे मैंने अपना ये बताया कि मैंने डिफेंस क्यों लिया, जो मैंने आंसर बताया वो आंसर कैसे? हाँ वो भाई का नाम मत लीजिए कि सर इसमें वो ज़्यादा भाई आपको प्रशासन में जैसे बताते रहेंगे वो बात दूसरी जगह उलझा देंगे वो आपको। हमको लगा हमें थोड़ा इंटरेस्ट था इन मामलों में, हम कंप्यूटर साइंस में कर जरूर रहे थे तो इसको ये कुछ पॉलिटिकल इशू जो जनरल हुआ है तो हमने लिया, हमारा इंटरेस्ट था इसमें। ठीक है सर, एक चीज़ और पूछना है, जो क्वेश्चन आपने नहीं पूछा मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ सर। जैसे हर चीज़ के आंसर होते हैं तो कई लोग बताते हैं कि आप इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं, इसका आंसर आप दीजिए तो कुछ सोशल वर्क से रिलेटेड दे दीजिए, मतलब हम सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं। नो आप फंस जाएंगे सोशल वर्क नहीं, आप अगर जैसे ये कहोगे आप बताओ गांधी कोई SDM थे क्या, उन्होंने कोई सोशल वर्क नहीं किया? अन्ना हजारे हैं इनके पास, किसी के पास वो नहीं था। आप बोलिए कि इसमें प्रतिष्ठा है, इस सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसलिए तो आ रहे हो पीसीएस में आप। प्रतिष्ठा हाँ, लालच की बात नहीं करना है कि मैं पैसे कमाने आ रहा हूँ क्या आ रही हूँ, प्रतिष्ठा है, चैलेंज है और सबको अच्छा लगता है प्रतिष्ठा, किसको नहीं अच्छा लगता, सम्मान मिले समाज में, तो वो एक रियलिटी, आप उसको पोलाइटली बोलिए कि सर इसमें प्रतिष्ठा है, चैलेंज है इस जॉब में, तो मन करता है मेरा और इसमें कोई बुराई क्या है। सर अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अपने बारे में कुछ बताइए तो इसमें हमको क्या क्या बताना होता है? आइए एक्चुअली क्वेश्चन कल भी उठा था इसमें आपको
बेसिक चीज़ ये बताना है कि मैं जो है मैंने ये कोर्स मैं यहाँ के निवासी हूँ या निवासी नहीं पूछते हैं तो अब हो गया अलाउड नहीं है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए कि मैंने ये किया है मैं इससे ग्रेजुएट हूँ और वर्तमान में मैं जो है ये इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ तक आ जाएगा। और सर हॉबी बता सकते हैं? हाँ हॉबी ना भी बताइए तो कोई सी बात नहीं है, अगर आप नौकरी वगैरह कुछ कर रहे हैं ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो बता सकते हैं। ओके सर। और सर आपने जो क्वेश्चन पूछा था ध्यान वाला, ध्यान बेसिकली जो है ध्यान की जो वास्तविक स्थिति वही है कि कोई चीज़ ध्यान ना रहे वही ध्यान है, तो ध्यान ना करना ही ध्यान है। अगर ध्यान लगाए रहे किसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट पे तो ध्यान हुआ ही नहीं। सर हमने डेफिनेशन की ढूंढने की बहुत कोशिश, कोई बात नहीं, अब मैंने आपको बहुत ईजी बता दी, सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है ध्यान ना करना, दुनिया के किसी चीज पर ध्यान ना देना, बस वही ध्यान। तो सर आप ध्यान देते क्या? यही तो आपको सीखना है, मेडिटेशन तो आप करती ना। हाँ तो सर मेडिटेशन हम करते हैं तो हम अपने यहाँ ध्यान देते हैं कि यहाँ एक दीपक जल रहा है। नहीं नहीं वो चलो दीपक जल रहा है क्या, एक मिनट ठीक है दीपक जल रहा है क्या, उस समय याद आती है आपको कि भैया मेरा क्या कर रहा है, मम्मी मेरी क्या कर रही है, ये मेरा पीसीएस में होगा कि नहीं होगा, इन चीजों से दूर हटना। तो आप ध्यान लगा रहे हैं ठीक है, यही तो मैंने कहा ध्यान ना करना ही ध्यान से, उस दीपक के अलावा और चीजों से मुक्त हो जाना ठीक है। नहीं आप किसी चीज इन्वॉल्व हो गए आपका ठीक है, देखो प्लीजेंट पर्सनालिटी है आपकी और दिस विल फेज यू गुड मार्क्स और आप पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं, कर जाइए और थोड़ा डीप एनालिसिस करिए चीजों का इशूज जो है ताकि पूरी चीज बता जाए आप ठीक। ओके ठीक है।